खड़ी से शब्द बनाओ। ठीक, तो इसमें आप लोग को क्या करना है, जितने भी हमने दूर दूर के जो व्यंजन लिखे हैं उनकी बारह खड़ी लिख दी हुई है बोर्ड पर, तो कोई भी अक्षर जिनसे कोई शब्द बनता हो और उसका मतलब होता हो वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक, पूरे आप लोगों को 10 मिनट दिए जाएंगे। ठीक, 10 मिनट दिए जाएंगे और 10 मिनट में जो बच्चा ज़्यादा शब्द लिख लेगा और सही लिख लेगा वही जीता माना जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो व्यंजन इसमें हैं सिर्फ उन्हीं को आपको अपने शब्द बनाने में इस्तेमाल करना है। ठीक, अब स्टार्ट करो बनाना। हाँ, उसमें होना चाहिए, बस बिल्कुल लिख सकते हो। लिखते जाओ, जितना लिखते जाओ लिखते जाओ। हाँ हाँ ठीक, तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, सब लोग लिखना बंद कर दो, पेन बंद, बस टाइम ख़त्म, टाइम ख़त्म, मयंक टाइम ख़त्म। ठीक है, अब सुनो, अपने अपने जितने भी आपने शब्द लिखे हैं वो काउंट करके हमें बताओ ज़रा। 43, कितने? 33, और अभिनेश 21, हाँ हमने गिने थे तुम्हारे, तुम बताओ कितने, बोलो तो कितने लिखे हैं? 25 लिखे हैं, तो तेज से बोलो ना, शर्माना क्या है उसमें, तुमने कितने लिखे? 5, तुमने 12, तो सबसे ज़्यादा किसके हुए इस हिसाब से? नहीं, तुम्हारे कैसे हुए, सबसे ज़्यादा दिव्यांशी के हुए ना। चलो तो फर्स्ट कौन आया, दिव्यांशी के लिए जरा क्लैपिंग करो फटाक से। अच्छा, और दूसरे नंबर पर किसके ज़्यादा थे? शिवानी के, तो शिवानी के लिए क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, और थर्ड नंबर पे कौन आया? विपिन। थर्ड नंबर पे विपिन आए हैं। ठीक है, तो विपिन के लिए भी भाई क्लैपिंग कर दो, उसने भी अच्छा बनाया, क्योंकि शिवानी और विपिन में थोड़ा ही अंतर था। ठीक है, तो ये तीनों बच्चे इस खेल में जीत गए हैं, और ये मज़ेदार खेल था। घर के लिए भी हम 3 लाइन खाली देंगे आपको। ठीक, 3 लाइन देंगे और उसमें से बना के लाएंगे। ठीक ठीक,